जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ फिजिकल टेस्ट। हाँ जी भाई, से सुना आपने, आपके दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बारे में गाइस बात करने वाले हैं। हाई चेस्ट वेट आपका क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका दोस्तों जरूरी है या नहीं है गाइस, पीएसटी पीईटी भाई सबका नहीं होना है, किस किस का होगा, आपको ए टू जेड पूरी जानकारी मैं भाई इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप दोस्तों सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज, मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, चलते हुए नेक्स्ट पेज पे। तो गाइज, यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। एंड गाइज, हम अगर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, 789 आपकी टोटल पोस्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी भर्ती अगर निकलती है, सबसे पहले गाइस बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस बात करते हैं भाई पीटी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपका इसमें होना है पीटी, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल देते हैं। फिर आपका दोस्तों इसमें होने वाला है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीटी पीएसटी जो भी गाइस क्लियर कर लेंगे, उनका भाई फिर होगा रिटन पेपर, रिटन एग्जाम, जो कि गाइस ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। मुझे बहुत सारे कमेंट थे मेरे भाइयों के, मेरी बहनों की, सर जो हमारा पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन होगा फिर ऑनलाइन होगा। आपको दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, आपका जो पेपर होने वाला ऑफलाइन होगा, आपकी ऑफलाइन ही फॉर्म थे, ठीक है। आगे गाइज आपका उसमें होने वाला है दोस्तों ट्रेड टेस्ट, जो कि गाइज आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर होने वाला है। हाँ जी भाई, सही सुना आपने, रिटर्न टेस्ट के बाद दोस्तों इसमें आपका होने वाला है ट्रेड टेस्ट, जो कि आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर है, जो कि दोस्तों आपका 20 नंबर का होने वाला है, वो आपको ओनली क्वालिफाइड करना है, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो गाइज फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाले है, वो आपके रिटर्न पेपर के अनुसार बनेगी। जो भी अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उनका फिर होना है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो भी बंदे रह जाएंगे, उनका दोबारा से फिर होने वाला री मेडिकल टेस्ट। री मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। हाँ जी भाई, सही सुना आपने, री मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जो भी अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। अगर आपका भाई फिर भी कुछ डाउट बचे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पीएसटी पीटी के बारे में, किस किस का होने वाला है और वहाँ पे आपसे क्या क्या करवाया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज चलते एक बार ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भाई आपका ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। एंड गाइज फर्स्ट में देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर रहे हो इंस्पेक्टर के लिए, एसआई स्टाफ नर्स के लिए, एसआई रेडियोग्राफर, एएसआई पैरामिस्ट, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन, हेड कॉन्स्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग, अगर आप दोस्तों इन सब पोस्ट में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप गाइज आराम से देख लीजिएगा, ये सब पोस्ट आपको दिख रही है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी, हेड कॉन्स्टेबल रेडियोग्राफर वेटनरी, हेड कॉन्स्टेबल लैब टेक्नीशियन वेटनरी, तो गाइज जो आपकी हाइट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपकी कास्ट यू आर मतलब जनरल होता है, ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी, अगर आपकी दोस्तों कास्ट जनरल ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी है, आपकी जो हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी गाइस हाइट यहाँ पे मांगी गई है। अगर हम दोस्तों बात करें फीमेल के बारे में, अगर आपकी कास्ट यूआर ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी है, आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें चेस्ट के बारे में, फॉर यू आर ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी, आपकी जो चेस्ट है 80 से 85 होनी चाहिए, 80 बिना फुलाए, 85 फुला के, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, नॉट एप्लीकेबल, जो भी फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा, आपकी वहां पे चेस्ट मापी नहीं जाएगी। आगे गाइस बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हाइट, रिलैक्सेशन इन हाइट टू शेड्यूल ट्राइब्स एंड हिल पीपल आल फॉलो। तो गाइस बात कर लेते हैं भाई हाइट के बारे में एसटी कास्ट वालों के लिए। अगर आपकी दोस्तों कास्ट एसटी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी दोस्तों कास्ट एसटी है, आपकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। अगर आप फीमेल हो, अगर आपकी हाइट एसटी कास्ट से बिलोंग कर रही हो, आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर आप एसटी कास्ट से बिलोंग कर रही हो, जो भी महिलाएं हैं। अगर आप बॉय हो, आपकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आपकी कास्ट एसटी है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। गाइस आगे बात कर लेते फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फॉलिंग द कैटेगरीज ऑफ गरवालिस, कम्युनिस्ट, गोरखास, डोंगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख। अगर आप दोस्तों यहाँ के निवासी हो, आप गाइस करंट में यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, आपके पास दोस्तों यहाँ का डोमिसाइल है, जो आपकी हाइट दोस्तों 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
जो भी फीमेल है, अगर आप यहाँ से बिलोंग कर रही हो, अगर आपके पास यहाँ का डोमेन सेल है, आपकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, तो क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस आगे बात कर लेते हैं बी नंबर पे, रिलैक्सेशन इन चेस्ट टू द स्टूल ट्राइब्स ऑफ ऑल स्टेट एंड हिल पीपल आर फॉलो। गाइस बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, द मिनिमम चेस्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी विल बी। अगर आपकी दोस्तों कास्ट एसटी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी दोस्तों कास्ट एसटी है, आपकी जो चेस्ट है 76 से 81 होनी चाहिए। गाइस यहाँ भी आपके पास 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, नॉट एप्लीकेबल, जो भी महिला है आपकी चेस्ट मापी नहीं जाएगी, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा। गाइस आगे हम बात करें मिनिमम चेस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉलिंग द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालिस, कम्युनिस्ट, गोरखास, डोंगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन अंडर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ले लद्दाख। अगर आप दोस्तों यहाँ से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो चेस्ट है 78 से 83 होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप गाइस यहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपकी जो चेस्ट है 78 से 83 होनी चाहिए। और गाइस जो भी महिला है वो नॉट एप्लीकेबल होती है चेस्ट में, आपके चेस्ट मापी नहीं जाएगी, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। आपका भाई फिर भी कुछ डाउट बचे आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं आपके वेट के बारे में। मुझे बहुत सारा कमेंट मिलता है कि सर हमारा वेट कितना होना चाहिए आखिर। तो गाइज आपको बता दो भाई, आपका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों मैं सजेशन दूं, आपका भाई जो वेट है 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 प्लस आपका वेट होना चाहिए, तभी गाइज आप मेडिकल में फिट हो पाओगे, पीएसटी में पास हो पाओगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, पीटी के बारे में, गाइज ध्यान दीजिएगा, पीटी के बारे में गाइज बात कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों पोस्ट फिलअप कर रहे हो, इंस्पेक्टर, एसआई स्टाफ नर्स, एसआई रेडियोग्राफर, एएसआई पैरामिस्ट, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, आप दोस्तों यहाँ पे आराम से ये सब पोस्ट को गाइस देख लीजिएगा। अगर आप दोस्तों इन सब पोस्ट में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अपना आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका दोस्तों इसमें होने वाला पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। गाइस अगर हम बात करें रेस के बारे में, फॉर मेल ओनली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी मेल है, जो भी गाइस लड़के हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपकी भाई इसमें रेस होने वाली है 1 मील रेस इन 7 मिनट इन 30 सेकेंड। आपकी भाई 1 किलोमीटर रेस होने वाली है, जब को क्लियर करनी है 7 मिनट 30 सेकेंड में। अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, आपकी इसमें रेस होने वाली है 800 मीटर जो आपको क्लियर करनी है 6 मिनट में। अगर हम गाइस बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, जिसको हम दोस्तों लंबी कूद बोल देते हैं, आपका इसमें गाइस होने वाला 10 फीट का लॉन्ग जंप आपका वहां पे होने वाला है। आपको चांस मिलेंगे 3 चांस में, आपको दोस्तों 10 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों 3 चांस में ये सब नहीं कर पाते हो, आपको दोस्तों बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपको इस भर्ती से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें फीमेल के बारे में, आपका यहाँ पे गाइस लॉन्ग जंप 6 फीट के होने वाला है, जिसके लिए चांस मिलेंगे आपको 3 चांस, 3 चांस में आपको 6 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। अगर हम दोस्तों बात करें हाई जंप के बारे में, 3 फीट आपका हाई जंप होने वाला है, जिसको हम ऊंची कूद बोल देते हैं, आपको भाई 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, 2.5 फीट आपका गाइस होने वाला है हाई जंप, जिसको हम ऊंची कूद बोल देते हैं, महिलाओं के लिए 2.5 फीट है, आपको चांस मिलेंगे 3 चांस में, आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप भाई 3 चांस में क्लियर नहीं करते हो, आपको इस भर्ती से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आगे भाई बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ए फॉर कॉन्स्टेबल, मोलची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर। अगर आप दोस्तों इन सब पोस्ट में फॉर्म फिलअप कर रहे हो अपना, गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोस्तों इन सब पोस्ट में अपना फॉर्म आपने फिलअप किया है, आपकी जो हाइट है दोस्तों 4UR EWS SC OBC, आपकी जो हाइट है दोस्तों मेल के लिए बता रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए UR EWS SC OBC के लिए। अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, जो आपकी हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आपकी कास्ट UR EWS SC OBC है तो, ठीक है। आगे गाइस हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में, अगर आपकी दोस्तों कास्ट UR EWS SC OBC है, आपकी जो चेस्ट है 80 से 85 होनी चाहिए, 80 बिना फुलाए, 85 फुला के, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, नॉट एप्लीकेबल आपको माना जाता है, आपकी चेस्ट यहाँ पे माफी नहीं जाएगी, आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा। एंड गाइस आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, गाइस यहाँ पे देखिए हाइट टू द एसटी एंड हील पीपल आर फॉलो। हाइट के बारे में दोस्तों बात करते हैं, अगर आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर रहे हो अपना, गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर रहे हो अपना, फॉर कॉन्स्टेबल, मोसलची,
कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, इन सब पोस्ट के लिए। और गाइज अगर आप दोस्तों यहाँ पे आपकी गाइज कास्ट ST है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वाटर कैरियर टेबल बॉय में, आपकी अगर कास्ट ST है, आपकी जो हाइट है दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और जो भी फीमेल है आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे गाइज हम बात करें हिल एरियाज के बारे में। अगर आप दोस्तों रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और जो भी फीमेल है जो आपकी हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 147.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट मांगी गई है महिलाओं के लिए। एंड गाइस अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप दोस्तों रह रहे हो गढ़वालिस, कोमोनिस, डोंगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप गाइस यहाँ पे रह रहे हो अभी करंट में हाल ही में, आपकी जो गाइस हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए, गाइस 155 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट मांगी गई है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों पूरी जानकारी A to Z समझ में आ रही होगी। आपका भाई फिर भी कुछ डाउट बचे आप दोस्तों मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। गाइस आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कि चेस्ट के बारे में। द मिनिमम चेस्ट फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू ST कास्ट है। अगर आपकी दोस्तों कास्ट ST है, आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर रहे हो वाटर कैरियर, टेबल बॉय, ठीक है, मोलची, इन सब पोस्ट में गाइस फॉर्म फिलअप कर रहे हो, गाइस आपकी चेस्ट है 76 से 81 होनी चाहिए फीमेल, यहाँ पे दोस्तों नोट एप्लीकेबल है, फीमेल की चेस्ट मापी नहीं जाएगी। अगर आप दोस्तों रह रहे हो गढ़वालिस, कोमोनिस, डोंगरास, मराठास, कैंडिडेट टू बिलोंग टू स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप गाइस यहाँ पे रह रहे हो, आपकी जो चेस्ट है 78 से 83 होनी चाहिए फीमेल, नोट एप्लीकेबल है, आपकी चेस्ट मापी नहीं जाएगी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी, A to Z मैंने भाई आपको पूरी जानकारी दे दी है। इनका जाके देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, अगर आप दोस्तों यहाँ से बिलोंग कर रहे हो जो आपकी चेस्ट है दोस्तों 77 से 82 होनी चाहिए फीमेल, नोट एप्लीकेबल है, फीमेल को चेस्ट में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड गाइस आगे भाई बात कर लेते हैं वेट फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट। आपका दोस्तों जो वेट है भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका वेट गाइस हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका गाइस मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। गाइस आगे हम बात करें बी पार्ट पे, PT फॉर कॉन्स्टेबल, मोलची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर में, आपका दोस्तों यहाँ पे ओनली पीटी होने वाला है, आपका दोस्तों ओनली रेस होने वाली है, आपका गाइज हाइट, चेस्ट, वेट नहीं होने वाला है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड गाइज बात करें हम रेस के बारे में, जो भी गाइज आपकी रेस है, रेस फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, 1.6 किलोमीटर आपकी दोस्तों रेस होने वाली है, जो कि गाइज आपको क्लियर करनी है 10 मिनट में, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें फीमेल के बारे में, आपकी जिसमें रेस होने वाली है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपकी रेस होने वाली है फीमेल के लिए, जो आपको क्लियर करनी है 12 मिनट में। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। आपका भाई फिर भी कुछ डाउट बचे आपको दोस्तों वीडियो नीचे कमेंट कर देना है, और जो मेरे भाई बंधु चैनल पर नए आए हुए हैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज थैंक यू सो मच।